दोस्तों काफ़ी लोग का एक सवाल आता है कि साहब हमारी शादी को 5-7 साल हो गए, 2 भी बच्चे हैं 1 भी बच्चा है, लेकिन घर वाले इंटरफेयर इतना करते हैं कि साहब हमारा घर नहीं बस भरा है। हमारी पत्नी कहना नहीं मानती, बार बार बेइज्जती करती रहती है, बार बार मायके पे जाती रहती है, ना ही आप हमारे घर पे रुकना चाहती है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत मानसिक प्रताड़ना दे रखी है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकती हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मान लीजिए पत्नी आपका कहना नहीं मान रही, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं उठा पाई है, जो भी एक पत्नी का कर्तव्य होता है वो कार्य से अपने कार्य बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है, बार बार मायके पे जाना, घर वाले मायके कहने से इंटरफेयर बार बार करना, ये ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो आप एक डायरेक्टली, अगर आपकी 7-5 साल शादी हो चुकी है तो आप बिना डरी जब प्रताड़ना, देखो पहले कोशिश करिए समझाने की, समझ में आ जाता है वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भैया डायरेक्टली आप डाइवोर्स का केस अप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, डाइवोर्स अप्लाई करोगे तो उसके बाद में जो भी ईगो अहंकार है, क्योंकि एक्चुअली क्या, जितना आप ज़्यादा समझाओगे तो फिर आप खुद बेवकूफ़ बन जाओगे, इससे बेटर आप डाइवोर्स अप्लाई कर दीजिए। डाइवोर्स अप्लाई करोगे, जुडिशरी काउंसलिंग, लोक अदालत में कहीं बैठ के आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी जो भी कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन है, उसी कंडीशन को फुलफिल करा लीजिए कि भाई इनके घर वालों का इंटरफेयर यह है, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानती है, हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं उठाती है, जो एक पत्नी का कर्तव्य है तो पूरी तरह से कभी भी नहीं करती है। तो ऐसे में आपका एक करेक्ट सॉल्यूशन निकल के आएगा, अन्यथा आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। दूसरी बात, मान ली नई शादी है, 1 या 2 साल की शादी है, उन लोगों को परेशानी हो रही है तो वो डायरेक्टली SSP को एक इन्फॉर्मेशन पिटीशन लगाइए, वो भी काउंसलिंग कराएंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन है उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको समझाने की लिमिट से ज़्यादा मत समझाइए किसी भी इंसान को, 1 या 2 बार समझाइए, उससे ज़्यादा कोशिश मत करिए कभी समझाने की, नहीं तो अगर आप बार बार समझाते रहो, बार बार झुकते जाओगे तो ऐसी सिचुएशन में आपकी का रिश्ता आप पे महंगा पड़ता चले जाएगा और अगली पार्टी का आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपको आगे चल के, कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड वाइफ को लेकर, वाइफ को लेकर अगर किसी भी घर को, तो देखो लंबी शादी होगी, 5 साल से ज़्यादा हो गए, आपने पूरा प्रयास कर लिया, आपकी बात नहीं मान रही, बार बार जा रही, डाइवोर्स अप्लाई कर दो कंडीशन, उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी। 1-2 साल हुआ है फिर भी नहीं मान रही आपकी बात नीचे, तो भैया आप एक SSP को कंप्लेंट दीजिए, वहाँ से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, अपनी टर्म्स कंडीशन है फुलफिल करती है तो रहिए, 6 महीने तक का टर्म्स कंडीशन रख लीजिए, अगर नहीं कर पा रही है तो उसके बाद डाइवोर्स अप्लाई कर दीजिए, दूर होना ही बेटर होता है, अगर सुधरना होगा तो सुधर जाएगी, अगर नहीं सुधर पा रही है तो भैया आप डाइवोर्स लीजिए, अपने आप को जिंदगी को सही कर लीजिए। तो आई होप आपका जो भी छोटा सा एक सवाल था, काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, तो इसमें आपका उस चीज़ का जवाब भी आपको मिल गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।